इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपकी शॉर्ट वीडियो 70% ऑडियंस अटेंशन पे भी वायरल हो जाएगी, जैसे मेरी होती है। और भाई अगर नहीं हुई ना तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। तो देखो यार, YouTube पे अभी के टाइम पे इतना कंपटीशन आ चुका है ना कि आपकी शॉर्ट वीडियो बिना ट्रिक लगाए वायरल हो ही नहीं सकती। आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, अच्छी एडिटिंग कर लो, अच्छे टैग्स लगा लो, अच्छे डिस्क्रिप्शन डाल लो, बट अगर ट्रिक्स नहीं लगाओगे ना तो व्यूज तो भूल ही जाओगे। क्योंकि यार यूट्यूब पे पूरा माइंड का गेम है, स्मार्ट वर्क करना होता है तभी जाके वीडियोस चलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, वीडियो अपलोड करने से लेके एंड तक। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, शॉर्ट वीडियो को वायरल करने का राज अपलोडिंग में छुपा होता है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का ये तरीका सीख लिया ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपकी भी वीडियोस वायरल होने लगेंगी और आप 10 मिलियन व्यूज तो आप लोग एक महीने में कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद चैनल मोनेटाइज और पैसा ही पैसा। तो यार अभी बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कैसे वीडियोस को अपलोड करनी है। अभी साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, तो स्टार्टिंग में तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको अपने YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है और क्रिएट अ शॉर्ट से अपनी शॉर्ट वीडियो को एक सिंपल तरीके से अपलोड कर देना है। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ जो चीज आपके सामने आती है, कुछ लोग यही गलती करते हैं, यहाँ से इसको डायरेक्टली पब्लिक कर देते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको यहाँ से वीडियो को अनलिस्टेड रहने देना है, उसको यहाँ से सिंपल तरीके से अपलोड कर देना है। तो यूट्यूब एप्लीकेशन से वीडियो अपलोड हमारी हो गई, अब हमको जाना है यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही हमारी वो वीडियो आ रही है जो हमने अपलोड की है, हमको इस पे क्लिक करना है। हमको यहाँ से इस वीडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के बाद सबसे पहले हमको डालना होता है टाइटल, सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। तो सपोज करते हैं हमारी इस वीडियो का टाइटल है YouTube न्यू अपडेट, सपोज कर लेते हैं। आपका कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग करना। तो हमें स्टार्टिंग में यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, हमको वापस से अपने YouTube एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ से सबसे पहले तो हमको इनक्रोग्निटो मोड ऑन करना है, क्योंकि एकदम फ्रेश पेज रहता है, यहाँ पे आपका कुछ भी वो चीज नहीं आती जो आप लोग सर्च करते। तो मैं यूट्यूब न्यू अपडेट यहाँ पे सर्च करता हूँ और सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग की दो वीडियोज पे ध्यान देना है। इन दो वीडियोज में से जिस वीडियो पे भी ज्यादा व्यूज होंगे आपको उस वीडियो का टाइटल सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी कर लेना है। अभी लाइक दूसरे वाली वीडियो यहाँ पे मनोज दे की है जिसपे 3,16,000 व्यूज है, तो मैं इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लूं। तो अभी मैं इस वीडियो का सेम टू सेम टाइटल अपनी वीडियो में डाल चुका हूं। अब दूसरी बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस टाइटल को पूरा कॉपी करना है एंड यहाँ से डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन में अपनी टाइटल को ही पेस्ट करना है। आपके डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में आपका टाइटल ही आना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन अभी हमारा कंप्लीट हुआ नहीं वैसे, बट इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं टैग्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे आप लोग जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है रिपीट टैग्स। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो रिपीट टैग वेबसाइट सबसे ऊपर ही आ जाएगी, तो इसको आपको ओपन करना है। यहाँ से आपको फ्री में मिलती है, पहले प्रीमियम में चलता था बट अभी फ्री एक्सेस भी देने लगे। तो फ्री यूज टूल पे क्लिक करना है हमको एंड यहाँ पे अपनी वीडियो का टाइटल सर्च करना है। लाइक मेरी वीडियो का टाइटल क्या था, यूट्यूब न्यू अपडेट। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ YouTube न्यू अपडेट। अब ये वेबसाइट आपको ट्रेंडिंग सर्चेबल टैग्स दे देगी, लाइक नीचे यहाँ पे लिखे हुए आप लोग देख भी रहे हो आ चुके हैं। ये वे टैग्स हैं जो अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में है, जो अभी के टाइम पे सर्च किए जा रहे हैं। नीचे आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सिंपली इनको कॉपी कर लेना है और वापस से अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और टैग्स में आगे इनको पेस्ट कर देना है। अब जो डिस्क्रिप्शन हमने बीच में छोड़ा था, अब उसकी बारी है। डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड यहाँ पे थोड़ा नीचे करके यहाँ पे हमको लिखना है रिलेटेड टैग्स। कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे भी आपको उन टैग्स को पेस्ट कर देना है जो हम वेबसाइट से कॉपी करके लेके आए हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन का काम लगभग हमारा कम्प्लीट ही हो गया। अब यहाँ से हम इसको बैक जाते हैं। अब वीडियो हमारी प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुकी है, अब सिर्फ एक चीज बाकी रहती है, वो है वीडियो को पब्लिश करना। तो हमारा टाइटल कम्प्लीट हो गया, डिस्क्रिप्शन कम्प्लीट हो गया और टैग्स भी डल गए। तो अभी हम इस वीडियो को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश तो अभी इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको यहाँ से हमको सिर्फ सेव कर देना है। अब वीडियो हमारी सेव हो गई बट वीडियो अभी भी अनलिस्टेड ही है, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम जाते हैं अपने एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जाने के बाद ऑडियंस में जाना है और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में टाइमिंग भी लिखी हुई है, जिस भी टाइम के सामने ग्राफ डार्क हो रहा है, लाइक मेरा ग्राफ डार्क हो रहा है 17:59 लगभग 6 बजे के आसपास, हमको टाइम पता चल गया कि हमको अपनी वीडियो को किस टाइम पब्लिश करना है, क्योंकि इसी टाइम हमारी ऑडियंस एक्टिव रहती है। अगर हम इस टाइम से वीडियो को पब्लिश करेंगे तो वीडियो को एकदम से बूस्ट मिलेगा। तो हम वापस से अपने वीडियो पे जाते हैं एंड वापस से इसको एडिट करते हैं और यहां से अब हमको वीडियो को शेड्यूल करना है एंड टाइमिंग जो हमारी थी अब वो टाइमिंग हमें यहां पे सेट करनी है। लाइक मेरी 6 बजे की टाइमिंग थी PM, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब हमारी वीडियो कंप्लीट प्रॉपर तरीके से अपलोड हो चुकी है, अब हमें इसको यहाँ से सिर्फ सेव करना है। अब ये वीडियो ऑटोमेटिकली 6 बजे पब्लिश हो जाएगी। तो यार ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग कुछ दिन इसको फॉलो करके देख लो, अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं हुई तो आके मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। बट अभी के लिए पहले सब्सक्राइब तो कर लो।